नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी का अभी डीवी चल रहा है और मेडिकल चल रहा है। आखिर डीवी में कितने परसेंट बच्चे पहुंच रहे हैं, डीवी में कितने परसेंट बच्चे को छांटा जा रहा है, मेडिकल में कितने प्रतिशत बच्चे छंट रहे हैं, इस सभी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। तथा सेकेंड डीवी में किसका चांस बन रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि 6 मार्च को सुबह 9 बजे से रेलवे में वेटिंग के लिए मेन लड़ाई हम लोग का वेटिंग से है। वेटिंग के लिए इस हैशटैग को ट्विटर कैंपेनिंग करने जा रहे हैं, रेल मिनिस्टर _group_d_waiting2 सब स्मॉल है। इसी हैशटैग को ट्विटर पर कैंपेनिंग कराकर ट्रेंड कराना है। और इस ट्वीट वेटिंग के लिए हम एक चैनल स्पेशली ग्रुप से बना चुके हैं, जिसका लिंक कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं। वेटिंग से संबंधित कोई भी अपडेट उस चैनल पर आपको मिल जाएगा। डिजिटल प्रोटेस्ट, फिजिकल प्रोटेस्ट से संबंधित जो भी आपको चाहिए न्यूज़ वो उस पर मिल सकता है। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। देखिए मेरे भाई, कोई भी डीवी हो, कितना भी बड़ा एग्जाम का हो, उसमें कुछ ना कुछ परसेंट बच्चा अब्सेंट जरूर होते हैं, क्योंकि बच्चे छोड़ते जरूर हैं। एक साथ बहुत से भर्तियां हैं, एनटीपीसी है, एसएससी जीडी चल रहा है, एमटीएस है, स्टेट लेवल का बहुत से एग्जाम है। अगर किसी बच्चा का दूसरे जगह रिजल्ट है तो कभी डीवी कराने नहीं जाएगा। अब इन बहुत से बच्चों से हम पूछें कि आखिर कितने परसेंट बच्चे अब्सेंट हो रहे हैं डीवी में, तो रिपोर्ट निकल कर आया 4 से 5% बच्चा अभी डीवी में नहीं पहुंच रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड डीवी में किसको बुलाया जाएगा, कितने परसेंट, 4 से 5% बच्चे अभी डीवी में नहीं पहुंच रहे हैं। 1 से 2% बच्चे ऐसे हैं जिसको डीवी में छांटा जा रहा है। आखिर डीवी में किसको छांटा जा रहा है, सबसे ज़्यादा अप्रेंटिसशिप वाले को छांटा जा रहा है, क्योंकि उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स में बहुत से कमी रहती है, और कुछ जनरल बच्चे को छांटा जा रहा है। और मेडिकल में देखा जाए तो 0.5 से 1% बच्चे को छांटा जा रहा है, यानी कि होल ओवर बात करें तो मात्र 8 से 9% बच्चे छांटे जा रहे हैं। अगर मान लीजिए, अगर आपके जोन में अगर 10,000 भर्तियां है, कितना 10,000 भर्ती है, अगर 8% सीट खाली हो रहा है तो 800 बच्चे को बुलाया जाएगा। अब 800 बच्चे में ये देखा जाएगा कि किस कम्युनिटी से कितना सीट खाली हो रहा है। जिस कम्युनिटी से जितना सीट खाली होगा उसी बच्चे को बुलाया जाएगा। अगर अप्रेंटिसशिप वाले सीट खाली होगा, वो अप्रेंटिसशिप वाले बच्चा क्वालिफाई नहीं करेंगे कट ऑफ के। अगर वो ओबीसी के बच्चे हैं तो उनको ओबीसी के ओपन वाले बच्चे को बुला लिया जाएगा। और यही डाटा अभी निकल कर आ रहा है कि मात्र 8% बच्चे छंट रहे हैं। ज़्यादा चांस है सेकेंड डीवी में जितने लोग ओबीसी में पॉइंट से छंटे हैं, एससी एसटी और जनरल में पॉइंट से छटने वाले को बहुत चांस है कि सेकेंड डीवी में आपका होना लगभग तय माना जा रहा है। और ईडब्ल्यूएस में 1 से 2 नंबर तक कट ऑफ घट सकता है। लेकिन वेटिंग के लिए जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग उसमें ज़रूर भाग लीजिए 6 मार्च को। और हम अपने वेटिंग वाले जो चैनल बनाया गया, ग्रुप बनाया गया, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करके उस ग्रुप को और बड़ा कीजिए। अगर वेटिंग मिल जाता है तो 80 से 85% मेरे भाई को जॉब मिलना कन्फर्म है। आज के वीडियो के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।